हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम अपनी पिक एडिट कैसे करते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी पिक को एडिट करने से पहले हमें पहले उसका बैकग्राउंड को हटाना होता है। तो अगर ये प्रोसेस आप जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए, आप जॉब पोस्ट के लिए आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं पिक से। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसे कैसे हम रिमूव करेंगे अपने बैकग्राउंड को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे करना है रिमूव बीजी, मतलब रिमूव बैकग्राउंड। हमें अपने पिक के पहले बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने रिमूव बीजी किया तो हमारे यहाँ के ऑप्शन खुल के आए हैं। तो ये जो रिमूव इमेज बैकग्राउंड लिखा हुआ आया है, तो हम सबसे पहले उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद हमारा ये ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ कि अपलोड इमेज। तो यहाँ पे पहले आपको जो भी आप पिक डालना चाहते हैं या पिक को एडिट करना चाहते हैं और उसका बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको पहले बैकग्राउंड हटाने के लिए उस पिक को यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो अपलोड इमेज पे हम टच करेंगे तो हमारे गैलरी में जितने सारे भी फ़ोटो हैं वो हमारे खुल के आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड को रिमूव करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक पिक सेलेक्ट किया, हमने अपनी इस एक पिक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अभी अपलोड हो रही है। देखिए, हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी हैं। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो भी बैक में जो भी पिक दिखाई दे रहे थे वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहे, यानी कि हमारे जो भी बैकग्राउंड के पिक थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। एक डाउनलोड HD आता है, एक डाउनलोड आता है। तो हमें इसे डाउनलोड पर टच करना है और इस पिक को हमें डाउनलोड कर लेनी है। तो देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन पे हमारे यहाँ पे और एक ऑप्शन खुल के आता है नीचे डाउनलोड एंड कैंसिल का। तो हमें यहाँ डाउनलोड पे टच करनी है। तो जैसे हम डाउनलोड पे टच करते हैं तो ये हमारा डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरह से हम पहले अपने बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद ही आप उस पिक को एडिट करेंगे। तो हम और एक लिंक बना रहे हैं आप लोग के लिए, जहाँ पे आप लोग अपने फ़ोटो को एडिट किस प्रकार करेंगे उसमें मैंने बताया हुआ है।